नमस्कार किसान भाइयों, सुपर करोप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कपास का सीजन शुरू हो चुका है और सभी किसान अभी बीज की सर्च के बारे में लगे हुए हैं, क्योंकि किसान भाइयों, अगर इस समय आपने अच्छे हाइब्रिड का चुनाव अपने खेतों के लिए कर लिया तो ये मान के चलिए भी पूरे सीजन आपको कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर इस समय आपने हाइब्रिड का चुनाव सही ढंग से नहीं किया, किसी दूसरे के कहने पे या ऐसे ही किसी हाइब्रिड का जाके दुकानदार ने आपको दे दिया, आपने लगा लिया, ना तो दुकानदार को बेचारे को ये पता भी आपके खेत के अंदर किस तरह की मिट्टी है, क्या किस तरह के एनवायरनमेंट है, और ना आपको पता, बस खाली आपने देख लिया भी ठीक है हाइब्रिड है लगा लेते हैं अच्छा है, तो फिर हो सकता है आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए क्या करना है, इस बार आपको सभी हाइब्रिड के बारे में आपको पहले जानकारी लेनी है, फिर जानकारी के बेस पे फिर हाइब्रिड आपको आइडेंटिफाई करने में मुझे ये दो या तीन जितने भी हाइब्रिड आपको लगाने हैं, फिर उन हाइब्रिड के बारे में क्या है कि फिर आपको आपके जो भी खेत पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, अगर उन्होंने जो हाइब्रिड आपने चूज़ किए, अगर वो उन्होंने लगाए हैं, तो उनसे भी आपको एक्सपीरियंस लेना है भी, उनका एक्सपीरियंस उन हाइब्रिड के प्रति कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, क्या समस्याएँ आ रही, क्या नहीं आ रही, फिर उसके बाद में उनसे आइडेंटिफाई करके फिर आपको क्या है कि वो हाइब्रिड अपने खेत के अंदर लगाना है। और फिर मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ भी आपको कम से कम समस्याओं का सामना है वो आपको करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलर बात करेंगे टाटा दिग्गज के बारे में, यानी टाटा रैलीज का जो आपका सीड आता है टाटा दिग्गज, जो कि MC5408 इसका कोड है किसान भाइयों। तो इस हाइब्रिड के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। ये हाइब्रिड आप अपने खेत के अंदर लगाना चाह रहे हो तो यह वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तो किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं इस हाइब्रिड को, तो किस तरह की मिट्टी के अंदर आप इसको लगा सकते हो, तो किसान भाइयों इसको हर तरह की मिट्टी के अंदर आप इसको लगा सकते हो। पर्टिकुलर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इस मिट्टी के अंदर इसकी परफॉर्मेंस कम देखने को मिलेगी, इसमें ज़्यादा देखने को मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी तरह की आपके खेत के अंदर मिट्टी है, उन सभी मिट्टी के अंदर क्या है कि आपका अच्छी खासी परफॉर्मेंस वो आपको, या एक अच्छी परफॉर्मेंस है वो आपको दे सकता है। उसके बाद में बात आ जाती है कि इसकी ग्रोथ हाइट कितनी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये आपके इसकी जो हाइट है वो आपको डिटर्मिनेट टाइप है, यानी दो तरह की हाइट होती है। इनडिटर्मिनेट वाले तो होते हैं किसान भाई जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा जाती है, डिटर्मिनेट वाले होते हैं कम हाइट के होते हैं। तो ये जो टाटा दिग्गज है इसकी हाइट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी और ज़्यादा फैलेगा भी नहीं किसान भाइयों। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों की, इसको हम क्या गेहूँ के ऊपर लगा सकते हैं, जैसे आपने अगर गेहूँ काटे तो क्या उसके ऊपर हम इसको लगा सकते हैं, या अगर हमने सरसों काट ली तो क्या इसको सरसों के ऊपर लगा सकते हैं, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है किसान भाइयों, इसको दोनों के ऊपर भी आप लगा सकते हो, इसकी परफॉर्मेंस दोनों जगह आपको एक जैसे देखने को मिलेगी। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों की, ये हाइब्रिड रस चूसक कीटों के प्रति कितनी की इस पौधे के अंदर सहन सकता है। अगर ये हाइब्रिड अपने खेत के अंदर मैं लगा रहा हूँ, अगर रस चूसक कीटों का अटैक आ जाता है तो ये हाइब्रिड कितना सहन कर पाएगा उस कंडीशन को। तो किसान भाइयों, ये आपके जो रस चूसक कीट है उनको अच्छा खासा टॉलरेंट है वो आपका करेगा। अगर रस चूसक कीट आपके खेत के अंदर आते ज़्यादा हैं तो इस जो ये आपका टाटा दिग्गज हाइब्रिड का जो पौधा रहेगा उस पर उल्टा प्रभाव उन रस चूसक कीटों की वजह से कम देखने को मिल सकता है। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों की, आपके जो कॉटन लीफ कर्ल जो वायरस है आपका, उसके प्रति इसके अंदर कितनी पावर है, इसके उसके प्रति भी इस पौधे के अंदर अच्छी खासी पावर है वो देखने को आपको मिलेगी, उसको भी अच्छा खासा ये सहन है वो आपका कर लेता है। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों की, कम अविधि वाला हाइब्रिड है ज़्यादा अविधि वाला हाइब्रिड है, तो किसान भाई ये आपका अर्ली हाइब्रिड है और इसकी पैदावार भी है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों की, उसके बाद में बात आ जाती है कि किसान भाई उसके ऊपर टिंडों की संख्या कितनी देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर टिंडों की संख्या भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों के टिंडे का वजन, यानी टिंडे का वजन है वो कितना देखने को मिलेगा अगर ये हाइब्रिड हम अपने खेत के अंदर लगा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों टिंडे के वजन की, तो इसका वजन भी है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ऑन एवरेज अगर आप इसका वजन निकाल के लेके आओगे तो वो वजन है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये सब तमाम बातें थी आपकी टाटा दिग्गज के बारे में। किसान भाइयों, हाइब्रिड से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी का बटन दबा लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।